हाँ जी जनाब, ये देखें यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम पैकिंग में लगे हुए हैं, बैग शैग निकल गए हैं लेकिन अभी फिल नहीं हुए। ये मिनाहिल साहिबा, ये देखें क्या कमाल दिखा रही हैं, अपने नेल पेंट लगाए जा रहे हैं और मैचिंग बड़ी मुश्किल हो रही है उनकी। उनको समझ नहीं आ रही क्या लगाऊँ। हो गई ये है देखें मैचिंग। हो गई है, और हम ये कपड़े प्रेस करने जा रहे हैं ताकि जाते हुए तो चलो ये पहन लें घर का धुलावा नरम सूट, क्योंकि जो एक दफ़ा वॉश हो जाते हैं ना उन कपड़ों को पहनने का सुकून ही कुछ और है। नए कपड़े पहनते हुए घबराहट हो रही है लेकिन पहनने तो हैं भाई, ईद की तैयारी की है हमने। अब हम जा रहे हैं पैरागॉन सिटी, लाहौर में ही अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी का सीन है। और फिर हम दोनों मिलजुल कर जो बच्चों को इंजॉय करवाते हैं और किचन में फुल ऑन टाइम देते हैं। यहाँ पर देखें जनाब, अभी तैयारी श्यारी हो रही, कपड़े प्रेस होंगे, फिर मैं शॉवर लूँगी, फ्रेश होंगी, फिर जाते हुए आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊँगी इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, ये देखें तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया कि हमें तकरीबन रात हो गई और ना कोई क्रीम आ रही थी ना कोई उबर आ रही थी। इतना रश था, मुझे तो ऐसा लगा था लाहौर की सड़कों पर हज का सा समय है। तो बहरहाल अल्लाह पीर मनाते हम पहुँच ही गए। बच्चों का माइंड भी चेंज हो गया था कि हम लोग फिर सुबह चलते हैं, लेकिन फिर एक तरफ बच्चे ये भी थे कि नहीं सुबह हम लेट हो जाएंगे तो हमने तो गाय को ज़बह होते देखना है। तो फाइनली हम लोग पैरागॉन पहुंच चुके हैं। हाँ जी माशाल्लाह जनाब, एक घंटे का सफ़र ख़त्म हुआ हमारा, तो हम अपनी फ़ाइनल सिचुएशन पे पहुंच गए पैरागॉन सिटी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है, उसे देखते ही पता चल गया कि इरम खान व्लॉगर आ गई। खड़े होके ना हमें वेलकम करने लगेंगे और हम डर के पीछे को भागे। माशाल्लाह जी ये देखें, हम शहर के लोगों को तो जानवर का आइडिया नहीं ना होता, ये शहर के बच्चे हैं तो कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह डाइट बहुत अच्छी है भाई, ये बड़ा जानवर है। ये देखें जी, ये जगाली कर रहा है, बच्चों को मैंने बताया कि ये तो जगाली कर रहा है, अपना खाना हजम कर रहा है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करे परवरदिगार, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। हाँ जी जनाब, हम लोग पहुँच गए थे, बहुत रश था और इतनी गर्मी इंतहा की गर्मी कि ना कोई क्रीम आ रही थी ना कोई ड्राइव आ रही थी ना ही उबर हो रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। पहले तो सीन ही हो गया कि बच्चों ने कहा कि हम लोग जाएंगे, अम्मा ऐसा करते हैं कि हम लोग ना सुबह चलते हैं, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे नहीं आज चांद रात है, तो आज चांद रात हमने मिल के खाला के बच्चों के साथ इंजॉय करनी है तो फिर हम आज ही चलते हैं। तो फिर मैंने बच्चों का मूड देखा तो मैंने कहा चलें जी आज ही चलते हैं हम। तो इस तरह हम खाला के घर पहुंच गए और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्लीन घर रखा हुआ है, सफाई बहुत अच्छे से की हुई है, पता चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह कि यहाँ मेड पर सख्ती है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह उसने बहुत नीट किया हुआ है घर। हाँ जी जनाब, यहाँ देखें, यहाँ पर माशाल्लाह मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है अपनी सिस्टर का, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको और बहुत ज़्यादा दे और आसानियाँ करे इसकी ज़िंदगी में। देखें मिनाहिल ने मुझे बोला अम्मा मेरे मेहंदी लगाएं अच्छी सी, मैंने कहा बहुत प्यारा डिज़ाइन लगाऊंगी। तो ये देखें जनाब, अम्मा ने मेहंदी लगाई ये, और फिर खाला की बेटी ने लगाई ये, ठीक है, ये डॉक्टर हैं ताबीर शेख, उन्होंने मेहंदी लगाई है ये। और माशाल्लाह देखें कितना क्यूट सा डिज़ाइन डाला है। और यहाँ पर ये सिस्टर, जिस सिस्टर की तरफ आई हुई हूँ, उन्होंने मेहंदी लगाई है, हैंड तो थोड़ा नीचे करो ज़रा। ये देखें माशाल्लाह मेहंदी सीन चल रहा है और ये हमारी आज चांद रात है। ये देखें जी माशाल्लाह रूम में, और मुझे ये वॉल इतनी पसंद आई माशाल्लाह, वाह भाई वाह, बच्चों ने कितना अच्छा अपना कमरा डेकोर किया हुआ। ये लिखा हुआ है जी इंडियन ओशन, देयर इज़ अ होल वर्ल्ड। ये देखें माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा, ये तो वॉल पे बड़ी अच्छी आप लोगों ने बच्चों। हाँ जी जनाब, ये देखें यहाँ पर मैं तो मेहंदी लगा रही हूँ और साथ साथ मैंने कहा आप लोगों से मैं कनेक्ट हो जाऊँ और अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। मेरी आज की ये चांद रात की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक उंगली एक बटन पर क्लिक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ चला जाता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नए आने वाले मेरी वीडियो को टच ज़रूर।